अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बख्त और आप देख रहे हैं सुपर बाइट देश चाइनीज़। आज जो रेसिपी लेके आए हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बनाएंगे कल की बची हुई दाल के साथ मसालेदार रोटी। तो रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के अंदर क्लास में देखें। तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले हमारे पास है एक प्लेट माश की दाल। इसको हमने किसी भी ब्लेंडर के अंदर डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसका कोई भी जो दाना है वो बाकी ना रहे। इसी तरह पेस्ट बना के फिर इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करना है, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी। और फिर इसमें तकरीबन 1.5 कप जो है वो गंदम का आटा ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आटे को गूंद लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे और बेहतरीन से पेड़े तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद एक पेड़ा लेंगे और उसकी खूबसूरत गोल सी रोटी तैयार कर लेंगे। गाइज, ये बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको अपने नाश्ते में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। इसी के साथ रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। अब कोई भी पैन लेंगे और रोटी को दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पका लेंगे। मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं और दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इसको पका लें। आजकल अक्सर घरों में जो बच्चे हैं वो दाल और सब्जियां वगैरह नहीं खाते, तो आप उन बच्चों को ये वाली रोटी बना के खिलाएं। इंशाल्लाह उनको बहुत ही पसंद आएगी और वो आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें बार बार ये बना के खिलाएं। अक्सर घरों में मिस्सी रोटियाँ खाने का बड़ा रिवाज होता है, वो तंदूर से रोटियाँ लगवाते हैं सारे मटेरियल को मिक्स करके। लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई करें घर के अंदर, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप वो तंदूर वाली रोटियों को भूल जाएंगे। रोटी हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसको पैन से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब बारी आती है रोटी को टेस्ट करने की। इसी तरह आप गर्म रोटी के ऊपर मक्खन को रखें और काली मिर्च वाले दही के साथ लगा के मज़े से खाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये मसालेदार रोटी की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक डिफरेंट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।